ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण कब पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहां कहां पर रहेगा, साथ ही साल 2022 में कितने ग्रहण पड़ेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो विशेष सावधानी रखनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण बहुत बड़े होते हैं, भयंकर होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। साल में दो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊँगा और प्रत्येक ग्रहण में आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। अगर प्रत्येक ग्रहण में आप इन नियमों को ध्यान रखते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब भी काफ़ी लोग बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंग भंग होते हैं या शरीर पर कोई निशान होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो ग्रहण का ही उन पर होता है। तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान, गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी। जब भी ग्रहण शुरू हो उस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ना तो आपको दीपक जलाना है, ना खाना बनाना है और ना ही माचिस की तिल्ली वगैरह नहीं जलानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर दो, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है और सोना नहीं चाहिए। सोने से बच्चे की आंखों पर प्रभाव पड़ता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। मुट्ठी बांध के भी आपको नहीं बैठना है, नाखून बाल नहीं काटने और कपड़े आदि भी नहीं धोने। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दम दुर्गाय नमः कोई भी मंत्र का जाप करते रहें या कोई भी आप भगवान की कथा का गुणगान करते रहें, यह बहुत ही शुभ माना गया है। आप जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ही ग्रहण आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, साल 2022 में चार ग्रहण घटित होंगे, जिनमें से एक निकल चुका है सूर्य ग्रहण, दूसरा 16 मई का आने वाला है। 16 मई को जो ग्रहण पड़ रहा है उसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं रहेगा, भारत से बाहर ही उसका प्रभाव है। जब यह ग्रहण शुरू होगा तो उस समय इसका जो प्रभाव है वो छाया रूप में थोड़ा सा आंशिक रूप से भारत के ऊपर रहेगा, पूर्ण रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसके सूतक आदि का भी कोई विचार नहीं रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी ग्रहण पड़ रहा हो तो थोड़ा सा गेरू ला करके पेट पर जरूर लगाना चाहिए। जब यह ग्रहण घटित होगा तो वृश्चिक राशि और वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, इनके लिए ग्रहण शुभ नहीं है। बाकी मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ग्रहण काल में ध्यान रखना कि चंद्र ग्रहण हो तो सफेद वस्तु और सूर्य ग्रहण हो तो लाल वस्तु, यह ग्रहण से पहले गर्भवती महिला अपने ऊपर उसार करके वहां पर रख ले दान के लिए और ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद में दान करना चाहिए। इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है ये पूर्णमासी को बड़ा ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण है और इस दिन सोमवार भी है, वैशाख पूर्णमासी भी है, तो गंगा स्नान का, दान पुण्य का, पितृ पूजा का, देव पूजन का विशेष महत्व है। जितना दान पुण्य करेंगे उतना अच्छा है। तो 16 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है इसका आपको कोई विचार नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है और कई राशियों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन गर्भवती महिलाएं फिर भी ध्यान रखें क्योंकि यह ग्रहण 7:58 से शुरू होगा और करीबन 11:15 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। तो इस समय में जो है ग्रहण के समय में आप कुछ सावधानियां रखें जो मैंने आपको बताई हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी ग्रहण शुरू होते हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय आपको भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोल करके मंत्र जाप जरूर करना चाहिए, जिस कामना से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, और ग्रहण समाप्ति पर आपको दान पुण्य करना चाहिए और उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करके आनी चाहिए, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री